नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी पर्यावरण की पेडागोजी करते हैं हम। और आपके मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वीडियो भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके दो वीडियो आज कम्प्लीट कर चुके हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है चैनल पर जाकर। आज दिन 58 है और अभी हम आपके पर्यावरण कम्प्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपकी 20 नंबर की पर्यावरण कम्प्लीट कर ली है, 10 नंबर की पेडागोजी आपकी कम्प्लीट कर रहे हैं और साथ में आपके प्रैक्टिस सेट हम हर 2 दिन या 3 दिन छोड़कर लेके आएंगे। कुल मिलाकर रोज़ आपको 3 वीडियो मिलेंगे आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सभी कंप्लीट करें, प्रैक्टिस सेट देना ना भूलें, क्योंकि हमने पर्यावरण कंप्लीट कर ली है। अब आपका आकलन करना बाकी है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में यदि आपको कठिनाई आती है तो आप हम जो 1000 क्वेश्चन करेंगे वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो फिर आपको उसके बाद कोई समस्या उसमें आने वाली नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। रोजाना एक तरह मोटिवेशन थोड़ा से स्टार्ट करेंगे। PDF आपको मिल जाएगी, आप PDF के लिए मत कहा कीजिए भले ही, मैं आपके लिए कल PDF जो है इन पेडागोजी के 4 लेसन की अपलोड कर दूंगा सुबह विद आंसर सहित। और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, मोटिवेशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं आज का। जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, किसी चीज़ को पाना हो तो किस्मत की बात है, किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। तो प्रयास आपको करना है, किस्मत पर नहीं छोड़ना है कि किस्मत में होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। और यदि और मेहनत करोगे तभी किस्मत साथ देगी, है ना, बिना मेहनत करने वाली किस्मत भी साथ नहीं देती है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम रोज़ाना की तरह। पहला क्वेश्चन है हमारा EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे ग्रह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मास्टरी लर्निंग और समय का सदुपयोग। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन के आंसर से हम स्टार्ट करते हैं। छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया इसका पता लगाया जाता है, किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि छात्रों को कितना ज्ञान हुआ है और किस सीमा तक हुआ है, मूल्यांकन द्वारा, परीक्षण द्वारा, अभिलेख की जाँच द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो मूल्यांकन द्वारा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न किए दिए जाते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, 1 और 2 दोनों प्रकार के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्धिक क्षमता निबंधात्मक प्रश्नों से भी आप जाँच कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ दोनों तरह से, तो दोनों यदि हम इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 और 2 प्रकार के प्रश्नों से बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जाता है। मैंने क्या कहा था, लॉजिकल आपको जवाब देने हैं, इसमें आपने नहीं पढ़ा हो पहले तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत है आपके पर्यावरण पेडागोजी के, उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है जो कि हम MCQ रूप में कवर कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बालक का विकास प्रभावित होता है पर्यावरण से, वंशानुक्रम से, पोषण से, उपयुक्त सभी से। तो आप सभी जानते हैं पर्यावरण में यदि एटमॉस्फेयर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो उससे भी होगा, वंशानुक्रम से भी और पोषण आपका खान पान से भी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे कि बालक का विकास इन सभी से प्रभावित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न कराना आवश्यक है, यानी कि यदि आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बच्चे को उस विषय में पढ़ने के लिए रुचि होना चाहिए, ये जरूरी है। यदि उसकी रुचि नहीं होगी तो आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ा लें उसको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में और उसका मन नहीं लगेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रुचि। सहनशीलता को जबरदस्ती झेलाना है, धैर्य, उसका हम धैर्य की परीक्षण करना नहीं है कि वो कितने ज़्यादा टिका रहता है, और आलस्य, तो ये चीज़ आपकी वैसे ही स्किप हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। आपको बताना है कि विज्ञान की शिक्षा यदि हमें बच्चों को देनी है तो किस तरह से देना है, प्रायोगिक, सैद्धांतिक, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्रायोगिक यानी आपके प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक यानी हम जो पढ़ाते हैं जो, तो आपको पता है सैद्धांतिक हम पढ़ाएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो उपयुक्त दोनों है ना, ये शिक्षण रूपों में बच्चों को देना चाहिए जिससे कि उनकी विज्ञान का शिक्षण अच्छे से उनको प्राप्त हो सके। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है, यानी शैक्षिक प्रक्रिया का विचार किस संदर्भ में किया जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो जो शैक्षिक प्रक्रिया विचार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध है व्यवसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से, उपयुक्त में से, उपयुक्त सभी पक्षों से। तो प्रारंभिक मानव मतलब पहले जब शिक्षा हुआ करती थी तो वो किस तरह की हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, नैतिक पक्ष भी होता था, धार्मिक पक्ष भी होता था और व्यवसायिक पक्ष भी होता था। आपकी शिक्षा जो है व्यवसायिक पक्ष में ज़्यादा ध्यान देती है, पहले की शिक्षा सभी पर ध्यान देती थी, यानी कि सभी को लेकर वो शिक्षा प्रदान करते थे कि हमें इससे पैसे भी कमाना है, नैतिकता भी देना है,
धर्म को भी इंक्लूड करना है, अच्छा ज्ञान देना है बच्चों को, लेकिन अब सिर्फ व्यवसाय बन के रह गई शिक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रारंभिक मानव की शिक्षा संबंध उपयुक्त सभी पक्षों से है। अगला 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिव्यक्तियों का निर्माण कब होता है। आपको बताना है कि जो माता पिता होते हैं उनमें बच्चों के प्रति अभिव्यक्तियाँ कब आती हैं, उसके जन्म के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, बचपन के दौरान, उसके जन्म से पहले। तो वो अभिवृत्तियाँ माता पिता में उसके जन्म से पहले आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, उदासीन होता है, सामाजिक होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों को हम सिखाते हैं सामाजिक असामाजिक, धर्म, न्याय, गलत, असत्य असत्य क्या होता है, लेकिन बच्चा जन्म के समय कैसा होता है, उदासीन होता है, उसको उसमें सामाजिक असामाजिक ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। साक्षात्कार होता है संप्रेषण, प्रदत्त विश्लेषण, आमने सामने बैठकर वार्तालाप, आंकड़ा संग्रह विधि। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की बात हो रही है। तो क्या होता है इंटरव्यू में, आप सभी जानते हैं, आमने सामने बैठकर वार्तालाप होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा जो जिसका इंटरव्यू लिया जाना है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वह उसका जवाब देता है। तो आमने सामने बैठकर इंटरव्यू होता है। अगले हमारा जो क्वेश्चन है 12। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या, आपको बताना है पर्यावरण की गंभीर समस्या क्या है पूरे वर्ल्ड की। पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति। तो आपके मन में बेरोजगारी आ रहा होगा तो वो बात अलग है, लेकिन ये सारी समस्याएं तो है, लेकिन गंभीर समस्या क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। बेरोजगारी भी एक समस्या है, लेकिन हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं इसलिए पर्यावरण प्रदूषण, और यह सबसे गंभीर समस्या है ना, बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या नहीं है। पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया, आपको बताना है कि पर्यावरण जो है बच्चों को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक। तो यह कब ऐड किया गया पाठ्यक्रम में, 1964 में, 1970 में, 1980 में और 1974 में। तो 1970 में ऐड किया गया था पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो पर्यावरण की शिक्षा में हमें यह सभी सीखने को मिलता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम पर्यावरण पढ़ते हैं कि हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि आवश्यक है, उनका अधिक से अधिक दोहन नहीं करना चाहिए, उनको बहाना नहीं चाहिए, उनका ऐसा उपयोग ना करें जो कि जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक हो, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन यदि नष्ट होगा तो फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो एक सीमित है ना, अनवीनीकरणीय स्रोत है, नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है। तो आप ध्यान रखें, तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना यह उसका मुख्य उद्देश्य, बाकी सब तो है, लेकिन मुख्य आपका क्या है, ये है 4th नंबर का ऑप्शन। अगला और हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है वह है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध क्या हो सकती है, सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या प्रत्येक शिक्षा। तो पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा जो है वही उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन पर्यावरण की पेडागोजी संबंधित। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छी रह सके। और आप सभी जानते हैं कि आप अभी पूरे संपूर्ण भारत में धीरे धीरे लॉकडाउन हो जाएगा, तो घर पर रहकर पढ़ाई करें जितनी मुझसे कोशिश हो रही, मैं भी घर पर ही स्थित हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी बेहतर तैयारी चल सके। और आपका इतना दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे लाइक करके जाएं, और इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर जरूर दबाइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।